अब बात करते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। लैप वाइंडिंग क्या है? तो जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन टू ब्रशेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल्स, मान लीजिए कि एक डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में नंबर ऑफ पोल्स एन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन टू ब्रशेस, जो वाइंडिंग वायर्स हैं वो दो ब्रश के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे उन उन वायर्स के, वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होंगे, दैट मीन्स इक्वल टू एन। और वहीं वेव वाइंडिंग में जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन टू ब्रशेस दैट विल बी इक्वल टू टू। डायग्रामेटिकली हम समझते हैं आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल टू पोल सिस्टम लेते हैं, दो पोल के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना होना चाहिए लैप वाइंडिंग में? इज इक्वल टू टू। तो अगर मान लीजिए ये दो ब्रश हैं, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं वो कितना है? वन एंड टू, दीज आर द टू पैरेलल पाथ्स। अगर मान लीजिए दो से अधिक पोल्स होते, दैट इज फोर, तो यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होते? फोर। उसी तरह से वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड नहीं होता, ये हमेशा इसका जो पैरेलल पाथ्स होता है वो हमेशा टू होता है। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, यह है वेव वाइंडिंग और यह है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का यूज़ बेसिकली लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में करते हैं, और वेव वाइंडिंग का यूज़ बेसिकली हाई वोल्टेज लो करंट मशीन में करते हैं। अब बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन के बारे में। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर और मोटर दोनों के लिए सेम होता है, बस उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि जनरेटर के लिए जो ईएमएफ डेवलप्ड होगा उसका नाम होगा जनरेटेड ईएमएफ, और जो मोटर के लिए जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका नाम होगा बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ। जो ईएमएफ इक्वेशन होता है डीसी मशीन के लिए वो होता है ई इज इक्वल टू एन पी फाई जेड बाई ए, और एन पी फाई जेड बाई ए इंटू 60। यहाँ पर जो एन है, स्मॉल एन आरपीएस स्पीड है, कैपिटल एन आरपीएम स्पीड है, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट। चलिए इसका डेराइवेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर फाई, ये है यूजफुल फ्लक्स पर पोल दैट इज फाई, पी टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स फॉर द मशीन, जेड जेड क्या है हमारा? जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर कितने कंडक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द आर्मेचर, कंडक्टर्स इन द आर्मेचर, ठीक है, एन स्मॉल एन जो बता दिया आरपीएस, ए ए है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर बिटवीन द टू ब्रशेज ऑफ अपोजिट पोलरिटी, जो कि हम लोग ने अभी तुरंत देखा लैप वाइंडिंग और वेब वाइंडिंग के केस में। लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, और वेब वाइंडिंग के केस में ए इज इक्वल टू टू, तो वही है ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, पैरेलल पाथ्स। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द आर्मेचर कितना है, जेड है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना है, ए है। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन सीरीज फॉर ईच पैरेलल पाथ दैट विल बी जेड बाई ए,
यानी जेड बाई ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज फॉर अ पैरेलल पाथ। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज एन। एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब कि एन रिवॉल्यूशंस मेड इन वन सेकेंड, एन रिवॉल्यूशंस मेड इन वन सेकेंड। सो वन रिवॉल्यूशन विल बी मेड इन 1/n सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 1/n सेकेंड। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू पी, पी है नंबर ऑफ पोल्स। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर पर पोल के लिए फ्लक्स है फाई, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, पी इंटू फाई, अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू पी इंटू फाई। अब पर कंडक्टर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा, पर कंडक्टर वोल्टेज डेवलप वो होगा पी फाई बाई 1/n, दैट इज इक्वल टू एन पी 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये एन पी 5 वोल्ट कितना है, पर कंडक्टर है, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज कितना है हमारा, जेड बाई ए, दैट मीन्स नेट ईएमएफ जनरेटेड कितना हो जाएगा, एन पी 5 × Z/A, दैट मीन्स एन पी 5 Z/A। ये हमारा ईएमएफ का इक्वेशन फॉर अ डीसी मशीन। अब आरपीएस और आरपीएम में क्या रिलेशन होता है, दैट इज एन इज इक्वल टू एन बाय 60। इसीलिए इनेट इज इक्वल टू एन पी 5 Z/60 × A। This is the EMF equation for DC machine.